कार्ड आपका, आ जाइए। हेलो तो दोस्तों, ये गधेरी का जो रोड है, जो अपन IIIT का कॉलेज के सामने से पुलिस स्टेशन है, डुमना पुलिस स्टेशन, उसके सामने से रोड निकलता है गधेरी का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पीछे मेरे पीछे एक नाला बोल सकते हैं, नाला भी नहीं, एक स्मॉल रिवर बोल सकते हैं इसको, जो बस बारिश में जीवित रहती है। तो इसमें अभी पानी बहने लगा है, अब जब ज़्यादा बारिश होती है तो इसके ऊपर से पानी चला जाता है। अब बहुत सारे यहाँ पे जानवर वगैरह इन लोगों ने अभी छोड़े हैं। तो ये गांव का कुछ इस तरह से नजारा है, बहुत ही सुंदर गांव का नजारा। जो अपना डेंटल कॉलेज है, हितकर डेंटल कॉलेज, तो उसका जो यूनिवर्सिटी है, इस तरफ यूनिवर्सिटी हो रहा है। ये ककड़तला का रोड है और ये एयरपोर्ट है। चल रहा है तो दोस्तों, अभी जंगल के अंदर आप देख सकते हो कि कितना मवेशी यहाँ पे चरने के लिए छोड़ देते हैं। अभी गांव के काका है, बुजुर्ग, वो दिन रात मतलब इन्हीं का काम करते हैं। तो आप देख सकते हो इनकी जो भैंस है, जंगल के अंदर ये छोड़ चुके हैं अभी चरने के लिए। अरे भाई साहब, हमारे पास क्यों आ रहे हैं? ये देखो तेरे नाम, तेरे नाम सलमान खान। हाँ दादा, अभी रात को भी छोड़े थे क्या? सुबह? हाँ रात में। अच्छा, कितने मवेशी आपके पास? अबे और भी, दूध कितना निकलता है? थोड़ा कहीं है क्या आपने है? अच्छा, साल से ज्यादा अभी कोई दूध वाला है नहीं? दूध कम हो गया। अच्छा, आखिरी हो गई एक साल की बयानी। क्या लीटर देते हो भैंस का? 60 रुपए। 60 रुपए मिल जाएगा अपने को? IIIT जाता है। IIIT जाता है। अच्छा, अभी इनको कब लेके जाओगे? अब ये शाम का, शाम को ही डायरेक्टली। अच्छा, दाना खवा के फिर लगाएं। मतलब यहाँ पे लेके आते हो खिलाने के लिए? नहीं, घर। अच्छा, इनको घर लेके जाके खिला के फिर छोड़ देंगे? मैं अपने आप चली जाती हूँ। अच्छा, टाइमिंग उनका फिक्स है? रात में भी आती है, 5 बजे 4 बजे रात घर। तो कभी जानवर इनके ऊपर हमला नहीं करते? कभी कभी अभी हुआ नहीं? एक बार भी नहीं हुआ? अरे वाह, मतलब लेती है। अच्छा, लेकिन छोटे बच्चे रहते तो? हाँ बच्चे हैं, बच्चों का बचाव कर लेने ना भैंसिया को। हाँ भैंसिया तो बहुत ज्यादा ये रहते हैं। मतलब आप बचपन से यही काम कर रहे हो? यही काम। मतलब पूरा करते हैं, खेती भी करते हैं। हाँ मतलब यही ना, ये खेती बाड़ी से रिलेटेड है ना का ये पूरा काम। तो सोते कितने घंटे? मतलब रात में भी रहते? रात को भी इनके साथ ही रहते हैं? ओह माय गॉड। मतलब फिर आपका दिन कैसा दिनचर्या कैसी चलती है आपकी? सुबह कितने बजे उठते हो? कोई टाइम नहीं, जब भी उठना है यहीं पे आना है। कितने टाइम उठ जाता था? 4 बजे 5 बजे। अब भैंस में संगे रहो तो रात भर घंटा खाण को यहाँ सुबह पन्नी। और सोने के लिए कुछ लेके आते हो क्या? पन्नी बिछा देती, बस पन्नी से हो जाता है। और कभी आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता, जानवर का कोई डर नहीं लगता? तो उसके लिए कुछ आप अलग से करते होगे ना? कुछ अगर नहीं, कुछ लाइट वगैरह कुछ रखते हो? कुछ टॉर्च वाला लाइट रखती, टॉर्च रखते हो? नहीं है, नहीं जलाती। जलाते नहीं? क्यों नहीं जलाते? सामने वाले को लगे कि ये टॉर्च लाए हैं। टॉर्च क्यों नहीं जलाते? नहीं जलाते, जलाने बस नहीं। नहीं नहीं, बट उसके पीछे कोई रीजन तो होगा। जला रात में जानवर दिखते हैं तो इसे नहीं, जैसे सांप ने कराया। मतलब आप जलाओगे तो जानवर को दिख जाएगा? नहीं, सामने सांप आ गया। हाँ हाँ, देखे डर लगेगा, इससे अच्छा देखो ही नहीं। हाँ डर लगेगा, सब अपने अपने रास्ते जाते हैं। सब ऊपर वालों, इस साल ठंडी में काट खाओगे। अच्छा, हार कौन सा था? देख नहीं मिले, पत्थर में रहा है, बड़े बड़े पत्थर। तो कुछ हुआ आपको? 5 दिन मेडिकल में। अच्छा, तो आपको कभी जंगल में ऐसे खूंखार जानवर से कभी आपका मुकाबला हुआ? मतलब कोई तेंदुआ वगैरह यहाँ पे कभी देखते हैं? रात में नहीं मिलती। नहीं मतलब आपने लाइव कभी देखा है अपनी लाइफ में? दिन में जाते कभी काल, जंगल जाओ जब कभी काल। यहाँ पे क्या क्या मिलता है जानवर? चीता बस, चीता। चीता तो लेकिन, अच्छा वो मतलब बिपटा को चीता बोल देना, गुलाब क्या बोलते हैं आपके? लेपर्ड कुछ। हाँ एक्चुअली वो चीता नहीं, वो लेपर्ड है ना? लेपर्ड लेपर्ड है।
झाड़ में चढ़े रहते हैं। और हिरन तो यहाँ पे तो कॉमन पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा है। मतलब अभी आपकी एज कितनी है, आपको उम्र कितनी है अभी? अभी 60 साल, 68 साल, अंठावन, अभी 60 नहीं है, 58 का इनका जन्म है, अभी 58 चल रही है। पापा तो 68 की हो गए, बहुत बड़े। तो आप सोच सकते हो शादी और जल्दी हो गई तुम्हारी 17-18 में, पापा की डेट भी है ना, ज्यादा रहे ना जी, मुझके रहे धीरे धीरे, जैसे नंबर आते का होता रहा 12-13 ना। फालतू गली बंद करा दी, कहना की ठीक फालतू गली बंद करा दी, अब मैं बड़ी भी कह बब्बू जी नहीं माने जल्दी बकरा दे उनकी और होने तो चार लड़का और आ जाए, जैसे मंझल के शर्त जीती रही भज्जो की चानी, पांच किले मीठा पंजी है, ऊँच न पंजी है, इंदिरा मार्केट में जी अस्पताल डालते कहने की हम की मंजिल दूध बांट पंजी भी है चानी लड़कियाँ हम की नहीं लड़का हुआ है कहने गए पाँच का पाँच किले की मीठा की शर्त लो सर, और लड़का ही बंदे मंजिल हार गए सर बंदे अच्छा नहीं मतलब उनके उससे पता चलता है ना इतने मेहनत करते हैं, चार कितने घंटा सोते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना, रात को कोई कुछ फटकार में सोते हैं समझ लो, कहीं तो अगर भैंस लगा रही है अच्छा तो यहां बैठे वो याद आ गया झपकी ले ली अभी अभी तो बारिश का मौसम है तो पूरा गीला है, तो आप कैसे करते हो? लेकिन बारिश में तो आपको अच्छा वो टेंट वाला देसी वाला लगा दो, ये जो बता रहे राजेश भाई ऐसी पोजीशन में ऐसे ये कर रहा है, गर्मी लगा भाई अगर पांव फैले है तो नहीं बड़ी पन्नी है पहले तो कहा है अगर पानी बिगड़े होने वो बंद करे गर्मी लगा सी बहुत तक पकड़ा कछु दिन रात रहे भरम कई आजकल तो वो टेंट सिस्टम आ गया था, अरे हाँ वो टेंट आया वो ज्यादा महंगा नहीं आ जाओ तो आ जाओ, जैसे भी कोरोना में मट्टी भरत थे उन्हें बिल्कुल पैक कर दू नहीं, लेकिन आपको क्या है उसमें सेफ्टी मिलेगा ना, स्नेक का वगैरह काटने का कोई रहेगा नहीं, सांप वगैरह बिच्छू आएगा नहीं, घर टाइप को बन जाती आराम से अभी कितना आपके पास कितना पैसे जी है? अच्छा अब इनको बेचते भी है? पिछले साल बेचते रहे 10-12 तो अच्छा इनका अच्छा नहीं घर नहीं दो तीन तो इनका जो वो निकलता है मेल बैल निकल मतलब क्या बोलते हैं भैंसा उसको रेड़ा रेड़ा बोलते हैं क्या वो उसको क्या करते फिर बेच देते पड़ा बेच देते हाँ छोटा रहता तभी बेच देते हैं थोड़ा बड़ा होता है 18 दूध से रहे थे अभी सपोज उसको क्या अभी जनने के इस पे टाइम पे हो एक महीना लग जाता है हाँ तो बड़ा तो भी 1-1.5 लाख के आसपास चले जाते जैसे हमारे यहाँ पे देसी गाय है ना देसी गाय भी मेरे घर पे देसी गाय है वो बेचने के लिए घर पे पालते हैं भैया तो एक टाइम पे वो बच्चे लेके आते हैं वो मतलब मान के चलो कि 5-6 बच्चे लेके आते हैं लेकिन 2 साल में उनको खिला पिला के ऐसे हाँ जर्सी वाला ऐसा रेडी करते हैं लेकिन वो प्योर होस्टन रहती है बाहर वाली ब्रीड है वो एक का 1,20,000-1.5 लाख तक चले जाते हैं नहीं दूध का कोई शॉर्ट ही नहीं आपने को पता ही नहीं ना बच्चे से बड़ी की है और पहले इसमें भेज देते महाराष्ट्र में हाँ हाँ खिलार बोलते हाँ हाँ खिलार बोलते खिलार हेलो
उसके बैल भी बड़े महंगे मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, हाँ लाल कवरिंग होती है, लाल ज्यादा। हाँ हेलो, अभी आप दिन भर यही रहोगे? तो छोड़ दिए, रात में रहते हैं साथ। अच्छा, अब ये पानी में मतलब ये अभी मच्छर काटे चरा चरा लूट जाएंगे। अच्छा, इसी में। हाँ, अभी आपको तो क्या साल भर पानी रहता होगा यहाँ पे ना? सब दिन रहता है। अच्छा, कम जाता गर्मी। हाँ, पानी का तो कोई शॉर्टेज है नहीं आपको? हाँ, तो भैंस के सबको ज्यादा पानी चाहिए होता है। हाँ, पानी कमी नहीं, बहुत कमी आ जाती है। और फिर गर्मियों में घास का क्या करते हैं? बरसात में अपन धान लगाते, जानवरों के लाने जी लगाते चारा, गन्ना, गन्ना में मक्का, ठीक है मक्का काट, मक्का वही लगाओ, फिर काट के मशीन में वो खे कटिया बनाई, वो कटिया में थोड़ी नमक वमक मिला के पानी सींच के पन्नी में भर के जी रख दी थी, फिर गर्मी में खुला मसाला दब जाते हैं, दब जा गर्मी में ज्यों के त्यों रहे उसमें हवा नहीं जानी चाहिए, बस हवा भरने से खराब नहीं। और उसमें थोड़ा नमक डालो थोड़ा सा और मजा आएगा फिर। तो गर्मियों में चारा नहीं रहे तो फिर इनकी कैसे व्यवस्था होती है? अच्छा, घर पे भूसा रहता है। कौन सा भूसा? गेहूं का, गेहूं का है बस। हाँ, यहाँ पे सोयाबीन तो नहीं होती होगी ना ज्यादा? होता है लेकिन अभी है नहीं, क्योंकि सोयाबीन का बहुत अच्छा रहता है वैसे ना, अपने एक जगह जैसा सोयाबीन डालते हैं लेकिन वो नहीं। हम लोग पहले मतलब मुझे मेरे जो ग्रैंड फादर थे ना वो करते थे, तो भूसा वो करते थे दादा, लेकिन वो भूसे में क्या है अपना जो चना रहता है ना चने का, और वो दोनों का मिक्स करते थे। चना चना को नहीं खाते क्योंकि चना जो होता है ना उसमें वो आम जैसा रहता है, खट्टा रहता है, खट्टा नहीं खाती, लेकिन वो दूसरे में मिक्स किया ना तो बहुत अच्छा रहता है। अपन खुद गया हूं एक बटली में मिला दो जब चना खाते जब खाएंगे वो रात गुठले आ जाते हैं जानवर तो भरा जात। अभी मैं रोड से आ रहा था तो आपके गांव में मतलब बहुत ज्यादा है भैंस, तो बहुत है देखी जाए तो, थोड़ा दी सबके यहां में है दूध का अच्छा खासा आपके यहां पे प्रोडक्शन? तो दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना बड़ा इंटरव्यू दिया, आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी हमें, जानकारी दे दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चले चुनो भैया, इनको देखिए, इन्होंने हमारा जीपीएस आज खराब किया है, पूरा सिस्टम की गड़बड़ कर दी है। दादा भर का जावे जगह गले नहीं मिली आए, नहीं मिली। हाँ हाँ, अरे कैसे तो चलते ऊपर से जहाँ माटी निकल गई है, अरे वो माटी निकल गई ना, वो कि ये बाजू वहां तक ढूंढ गया लेकिन ये बाजू जाने थोड़ी बंसारू किनार से और ऐसे निकल जाते, अरे पूरे बंसारू रोड ही नहीं है, झाई झाई रही गाड़ी चली जाती थोड़ी यहीं से खड़ी करने पैदल गए रहे हम, रेल गया केंद्र लगे ये समूल पे उतई से गली वो नीम लगी जाए नीम की यहीं यहीं दो तीन फिर नीम लगी लंबी लंबी उतई से तो कहते झा रहे अंदर जब हिम्मत नहीं बड़ी घुसबे की बाजू से निकल जात किनार से नीचे छोड़ एसी एसी में रुको किनारे से इनको वो पूछो ना, होगा इन्होंने देखा कि ये तो इनको पता ही होगा जंगल में रहते हैं क्या, अरे वो अब आप कितने बजे घर जाओगे? अंडे टाइप के वो बामी जो रहते बना चीटी है
स्नेक नहीं बनाता वो, सांप कभू घुजार बना चींटी है माटी, सांप बनाते हैं घर माटी का, सांप बहुत सांप बहुत रेयर बना जाता है उसमें, कोई के घर में रहे थे वो बिला बना दिया घुजार घुजार बनाए में, वो कहावत है ना, कहावत है ना उसके लिए, सांप के लिए कुछ बनाए रहती है ना, मतलब कोई घर बनाता है और सांप बिल जाता है घुस जाता है, ये आपके घर का सांप है, चींटी की बामी तो वो घुस गए को कई बार दी बनात है, बट दी बनात चींटी बन जाती है, ये रूप ले ली हां, ये ना मतलब ये बोलते हैं कि वो स्नेक उसमें रहता है, चाय पिलाए नहीं हम लोग, अरे गाड़ी ये देखो ये मुड़ गए, देखा नहीं था मैंने क्या ये, हां लेग गार्ड कोई नहीं मिलेगा, नहीं इसको सीधा हो जाएगा, हां हो जाएगा हो जाएगा, पर वो पावर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी ना, गिर गई रही गाड़ी क्या, इसे खाली करिए बस, ठीक थोड़ी दूर भाई अपने आप लड़कते स्टैंड खड़ा हो, चलो ठीक है बैठो सर अब चले, तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना ना भूलना, ठीक है फिर से लगा दबाई करने पड़ा, ठीक है नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे तो आपको कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कुछ नया दिखलाएंगे, नया दिखलाएंगे और कोशिश करेंगे कि मशरूम आपको दिखाई देंगे, शनु भैया हमारे सब्सक्राइब को बता दो कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मशरूम हम आपको दिखाई देंगे, नेक्स्ट टाइम दिखाइए, आज के आज रोड नहीं मिली आज जाने को, ओके नेक्स्ट टाइम ज्यादा थी, आप कब बनाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे दो चार दिन बाद, दस दिन बाद जब आप आ जाए, हाँ, दो चार दिन चलो ठीक है, तो चलो दोस्तों अभी ब्लॉग को करते यही पे समाप्त, अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना ना भूलना, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई, जय।